तो हेलो एवरीबॉडी, तो कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ सुपर सस के रैंकिंग मैच के एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें मैं हम चक्कर मचाने वाला हूँ तबाही। तो चलिए देखते हैं आज हमें सुपर सस गेम से कौन सा रोल मिलने वाला है और आप सभी को कौन सा रोल का गेम प्ले दिखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ जेनेटर, क्योंकि आपके कुछ लोग काफी डिमांड रहे थे कि मुझे जेनेटर के साथ खेले। काफी टाइम हो गया है और मुझे जेनेटर के साथ एक बार फिर से खेलना चाहिए। तो फिर क्या मेरे भाई, आप लोगों ने बोला, मैंने ले लिया। तो यहाँ पर गेम स्टार्ट हो चुकी है और मैं बन चुका हूँ जेनेटर और मेरा पार्टनर है इस गेम में निंजा। और मैंने यहाँ पर फटाफट से लाइटे को गायब कर दिया है ताकि जो मेरा पार्टनर है वो आराम से किल कर सके। अभी देखो यहाँ पर ग्रीन मुझे लाइक दिखा रहा होता है और मैं जब रोल चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि गेम में हिप्नोटिस्ट और आर्सोनिस दोनों के दोनों है। लेकिन ये ग्रीन भाई सब मुझे लाइक दिखा रहे होते हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें मैं ग्रीन के साथ थोड़ी देर तक रह लूँ ताकि मैं ग्रीन की नजरों में सेफ हो जाऊँ। और वैसे भी यार अपन जेनेटर है तो जब तक मेरा पार्टनर जिंदा है मैं यहाँ पर किल बिल्कुल नहीं कर सकता। और देखो यार यहाँ पर जब मैं सिक्योरिटी में देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि सिक्योरिटी में से कोई बंदा हम पर नजर रख रहा है। और इसीलिए मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि मैं ग्रीन से दूर चला जाऊँ वरना कहीं कोई बंदा हमें हिप्नोमिनियन न समझ ले वरना हमारी वाट लग सकती है। लेकिन फाइनली ग्रीन यहाँ से चला जाता है तो सिंपल सी बात है, हम जेनेटर तो हम जाने वाले अपना काम करने के लिए। पर मैं फटाफट से इलेक्ट्रिकल के अंदर जाता हूँ और मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई। तो मैं फटाफट एक बॉडी को साफ करता हूँ लेकिन यहाँ पर दो बॉडी, मतलब यार मेरा पार्टनर यहाँ पर बहुत अच्छा खेल रहा है और उसने यहाँ पर दो किल्स कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर जो ग्रीन है वो जाकर के मीटिंग को बुला देता है। तो चलिए देखते हैं पर मीटिंग में क्या होता है। अभी देखो और यहाँ पर जो ग्रीन है वो मीटिंग बुला करके माइक पर तो कुछ नहीं बोलता, तो देखिए यहाँ पर बाकी बंदे क्या बोलते हैं इस बारे में। क्या बोल रहा है? पिलियल बोल, पिलियल बोल। अरे कहना क्या चाहते हो? तो क्या नाचो? अभी देखो और यहाँ पर पर्पल जो भी कहता है मुझे सही से समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन पर्पल यहाँ पर कुछ ऐसा बोलता है कि पर्पल और पिंक साथ में थे इसलिए पर्पल हमारा सेफ बंदा है। और यहाँ पर मैं माइक पर कुछ नहीं बोलता क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे कोई बंदा पहचाने। तो देखिए यहाँ पर बाकी बंदे क्या बोलते हैं। सुनो मेरे पास मेडबेस कैन है। अच्छा, और मेरा गेमिंग के जंपी, तो प्लीज मेरे ऊपर जो जिन जिन को शक है एक बार देख लो। ठीक है, कोई एक बंदा मेरे साथ आ जाओ, कोई एक बंदा मेरे साथ प्लीज आ जाओ। नहीं। अभी देखो यहाँ पर जो व्हाइट भाई साहब है ये भी ऐसा बोलते हैं कि इनके पास मेडबेस कैन है, आकर के व्हाइट का मेडबेस कैन देख लो और व्हाइट का गेम है जंपी सूज। मतलब यार मेरे को एक बात बताओ, ये मेडबेस कैन वाले बंदे ऐसे खुद को सेफ कर लेंगे तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा ना, और इसीलिए मुझे इन मेडबेस कैन वाले बंदों का जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। लेकिन दुख की बात यह है कि मैं अभी किल बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि मेरा पार्टनर अभी जिंदा है और जेनेटर का रोल तो आप सब जानते ही है ना। और यहाँ पर ग्रीन मुझे पहचान लेता है और ग्रीन निकलता है अपनी यूट्यूब फैमिली का मेंबर, और इसीलिए मैं अपना आइकॉन बिल्कुल नहीं करता क्योंकि अगर कोई इमरजेंसी में मुझे ग्रीन को किल करना पड़ा तो मैं नहीं चाहता कि ग्रीन को बुरा लगे। तो फिलहाल यहाँ पर बाकी बंदे क्या बोलते हैं। मैं नहीं बताऊंगा। क्या क्या बोला तूने? तुम्हें कैसे पता चला? भाई। अभी देखो यहाँ पर जो येल्लो भाई साहब ये ऐसा बताते हैं कि इनका रोल बेटर का है। तो सिंपल सी बात है, मुझे और मेरे पार्टनर को यहाँ पर बेटर से काफी संभल के रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ये येल्लो को पता कैसे चला कि ब्राउन को जनरेटर ने साफ किया है? पता नहीं। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर बाकी बंदे क्या बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पर रेड भाई साहब ऐसा बोलते हैं कि पर्पल को वोट करके निकाल दो क्योंकि रेड का रोल शायद से हैकर का था और पर्पल ने बोला कि उसका रोल हैकर का है। तो रेड को ऐसा लगता है कि गेम में दो हैकर बिल्कुल नहीं आते इसलिए पर्पल को वोट करके निकाल दो। क्या बात है? लेकिन बात यहाँ पर जो भी हो बात बड़ी सिंपल सी, जितने बंदे यहाँ पर कम होंगे उतना हमारा फायदा ही है ना। बात तो सही है। और इसीलिए यहाँ पर रेड ने बोला कि पर्पल को वोट कर दो। तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर बिना किसी तरीके पर्पल को वोट करने वाले हैं। और देखो यार यहाँ पर ग्रीन हमारा बहुत अच्छा प्लेयर होता है, वो ऐसा बोलता है कि भाई मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाला हूँ, आप बिल्कुल आराम से खेलो। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि अगर मैं आपके गेम में आऊँ तो प्लीज मेरा पीछा मत किया करो क्योंकि मुझे कोई इमरजेंसी में आपको किल करना पड़ सकता है। तो फिलहाल चलिए देखते हैं मीटिंग में क्या होता है और किसको कितने वोट पड़ते हैं। ओके फाइनली यहाँ पर पर्पल को पड़ चुके हैं ढेर सारे वोट और पर्पल बेचारा मीटिंग में निकल चुका है। लेकिन यह एक्सपर्ट मैच जिसकी वजह से हमें पर्पल का रोल अभी
पता नहीं चलेगा, तो पर्पल का रोल जानने के लिए आप सबको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर पर्पल मीटिंग से निकल चुका है और यहाँ पर मीटिंग खत्म हो चुकी है और गेम फिर से स्टार्ट हो चुकी है और हमने यहाँ पर कैफे के गेट बंद कर दिया है। लेकिन 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 ये ग्रीन भाई साहब हमारा पीछा कर रहे होते, लेकिन यहाँ पर बात बड़ी सिंपल सी है। कैफे के गेट जैसे खुलेगा मैं फटाफट से यहाँ पर लाइटें गायब करके ग्रीन से दूर जाने वाला हूँ, क्योंकि अपन है जनरेटर और अपने को जनरेटर का काम भी तो करना है ना। और यहाँ पर मैं लाइटें गायब करने के बाद सोचता हूँ कि मैं तो किल कर नहीं सकता, तो क्यों ना मैं अपने पार्टनर के साथ रहूं, क्योंकि मेरा पार्टनर को किल करेगा तो सिंपल सी बात है मैं बॉडी को फटाफट से साफ कर दूंगा। इसीलिए मैं अपने पार्टनर सियान के पास आ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि सियान क्या कर रहा है। और फाइनली यहाँ पर मेरा किल ब्लिंक हुआ है, लेकिन ये क्या? लेकिन एक सेकंड, अरे बाप रे, मेरा पार्टनर तो यहाँ पर बेटर किल कर दिया। मतलब यार मीटिंग में येलो ने कितना चिल्ला चिल्ला कर बताया था कि उसका रोल बेटर का है, पर फिर भी मेरे पार्टनर को येलो ही मिला था किल करने के लिए। शाबाश। तो चलिए देखते हैं मेरा पार्टनर सियान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बाद क्या बोलता है। क्या बोल रहा है? बिलियन बॉल, बिलियन बॉल। तुमसे ना हो पाएगा, ये फंस गया सी है। अभी देखो यहाँ पर सियान बेटर किल करने के बाद ऐसा बोलता है कि उसने बेटर किल नहीं करा, जो कि हर एक इंपोस्टर बेटर किल करने के बाद बोलता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी थी, सियान ने यहाँ पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दिया था और सियान की चोरी यहाँ पर पकड़ी जा चुकी थी और सारे बंदे यहाँ पर सियान को निकालने के बाद चैट में कर रहे होते हैं। तो देखिए यहाँ पर बाकी बंदे क्या बोलते हैं। कोई आई क्यों नहीं भाई, मेरा अब तक बचा है, प्लीज आके देख लो। शाबाश। अभी देखो यहाँ पर व्हाइट भाई सबको उनके मेडवे स्कैन की पड़ी हुई है। व्हाइट यहाँ पर ऐसा बोल रहा है कि भाई कोई तो आकर के व्हाइट का मेडवे स्कैन देख लो। और यहाँ पर चैट में मुझसे ग्रीन पूछता कि ऑरेंज भाई आप रियल हो? तो मैं बोलता हूँ भाई मैं रियल बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहता यार कि मुझे कोई पहचाने, और इसीलिए मैंने इस मीटिंग में अपने माइक को ऑन बिल्कुल भी नहीं करा था। तो चलिए देखते हैं मीटिंग में क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने अपने वोट को स्किप कर दिए हैं। लेकिन ये क्या, सियान को पड़ चुके हैं ढेर सारे वोट और सियान बेचारा मीटिंग में निकल चुका है। वैसे भी यार अगर देखा जाए तो उस गेम में पूरी गलती सियान की थी। अगर कोई बंदा यहाँ पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि उसका रोल बेटर है, तो भाई तुम्हें बेटर किल करना ही क्यों है? बात तो सही है। तो यहाँ पर सियान मीटिंग में निकल चुका है और इस गेम को जीतने की पूरी जिम्मेदारी मेरे अकेले के ऊपर आ चुकी है। और देखो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है, तो मुझे समझ में आता है कि गेम में पूरे 4 बंदे बचे हैं मुझे छोड़ करके, तो मुझे जीतने के लिए अकेले मीटिंग आने से पहले 3 बंदों को किल करना पड़ेगा। तो अगर मैंने अगली मीटिंग आने से पहले इस गेम में सारे बंदों को किल करके गेम को जीत लिया, तो आपको जाने से पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि मीटिंग आने से पहले 3 किल लगातार जनरेटर के साथ करना इतना सौखा काम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट से लाइट को गायब कर दिया था, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ पर 2-3 बंदे साथ में गए लाइट को ठीक करने के लिए, और इसीलिए मुझे यहाँ पर एकदम आराम से पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर बंदे को किल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लाइटें आ चुकी है और मैंने फटाफट से इलेक्ट्रिकल और स्टोरेज का गेट को बंद कर दिया है। और यहाँ पर मुझे व्हाइट मेडवे वाला बंदा मिलता है, तो सिंपल सी बात है हम यहाँ पर व्हाइट को किल करके उसकी बॉडी को क्लीन कर देते हैं ताकि किसी को पता भी ना चले। और यहाँ पर व्हाइट को उसके मेडवे स्कैन दिखाने के काम से बिल्कुल मुक्ति मिल गई। मतलब यार सही में ये व्हाइट का बच्चा मीटिंग में बहुत बोल रहा था कि आकर के मेरा मेडवे स्कैन देख लो, पर सिंपल सी बात है यार हमने इसे इसके काम से मुक्त कर दिया। और इसके बाद अब हम आने वाले हैं अपने प्लान के दूसरे पड़ाव पर और हम यहाँ पर करने वाले हैं O2 का सबूत टेस्ट, ताकि सारे बंदे इधर है और उनमें से एक बंदे को और किल कर दो और फटाफट से बॉडी को साफ कर दो ताकि किसी को पता भी ना चले। और इसीलिए मैं फटाफट से यहाँ पर O2 का सपोर्ट टेस्ट देने के बाद चला जाता हूँ वेपन्स पर और मैं कोने में छुप जाता हूँ ताकि कोई बंदा मुझे देख ना पाए, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 बंदे साथ में आ गए तो मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि आने दो भाई, मैं फटाफट से यहाँ पर किल करके बॉडी को साफ कर दूंगा ताकि सामने वाले बंदे को पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर रेड आता है और सिंपल सी बात है मैं यहाँ पर रेड को किल करने के बाद फटाफट से बॉडी को साफ कर देता हूँ ताकि किसी को पता भी ना चले। और तभी यहाँ पर आ जाते हैं हमारे ग्रीन भाई साहब और ग्रीन O2 को ठीक करने लगते हैं। तो मैं फटाफट से ग्रीन को दिखाता हूँ लाइक राके, ग्रीन को मुझ पर बिल्कुल भी शक ना हो, हालांकि ग्रीन को मुझ पर शक करना चाहिए था पर पता नहीं कि उसने मुझ पर शक नहीं करा। तो यहाँ पर मैंने गेट को बंद कर दिया और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें मैं ग्रीन से थोड़ा सा दूर चला जाऊँ, क्योंकि अगर ग्रीन हमारा हिप्नोटिस्ट हुआ तो मेरी बैंड बच जाएगी। और देखो यहाँ पर मैंने 2 किल को कर दिया, तो मेरे को गेम को जीतने के लिए 3रा किल को करना होगा। और देखो यहाँ पर मेरा किल एक्टिव हो चुका है, लेकिन मेरे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो मैं ग्रीन को किल करूँ या फिर मैं जाकर के दूसरे बंदे को किल करूँ। और अगर मैंने यहाँ पर जाकर के दूसरे बंदे को किल करा तो आपका फालतू में टाइम वेस्ट होगा और गेम को तो मैंने वैसे भी जीतना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उन्हें मैं ग्रीन को किल कर दूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर ग्रीन को फाइनली किल कर देता हूँ। और वैसे भी देखो यार यहाँ पर मैं ग्रीन को किल करना नहीं चाहता था, पर मैं क्या करूँ यार, मेरे को मजबूरन एट दी एंड किल करना ही पड़ जाता है। तो इसी के साथ हमारे जनरेटर की गेम प्ले हो चुकी है सक्सेसफुल और हमें मिल चुकी है जीत, साथ में MVP जिसका सभी को इंतजार रहता है। लेकिन रुको रुको, आप किधर चले? मैंने तो यहाँ पर अगली मीटिंग आने से पहले 3 किल करके गेम को कंप्लीट कर दिया और मैंने अपना चैलेंज यहाँ पर कंप्लीट करा, तो अब आपकी बारी, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वैसे मुझे पता ही आप लोग कर दोगे। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर बाकी बंदों के रोल चेक कर ले जाए, क्योंकि बिना रोल चेक करे जाना इज नॉट गुड मेरे भाई। ओके, तो यहाँ पर जो ग्रीन था वो था हमारी गेम का डॉक्टर, मतलब यार गेम की स्टार्टिंग में
इलेक्ट्रिकल के अंदर दो दो बॉडी पड़ी हुई थी, पर ग्रीन ने कहा पर एक भी बॉडी को रिवाइव क्यों नहीं करा। चलो कोई बात नहीं, इसमें स्पेस क्रू का घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। और यहाँ पर जो व्हाइट भाई साहब थे जो अपना मेड बेस कैन दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ये थे हमारे गेम के रियल के एजेंट। और यहाँ पर रेड भाई साहब थे हमारे गेम के रियल के हैकर। और रेड ने ऐसा बोला था कि पर्पल को वोट करके निकाल दो, क्योंकि पर्पल ने बोला कि उसका रोल हैकर का है और पर्पल था हमारे गेम का रियल का आर्सोनेस्ट। और यहाँ पर ब्लू भाई साहब थे हमारे गेम के रियल के हिप्नोटिस्ट, जिसको मेरे पार्टनर ने गेम के स्टार्टिंग में ठिकाने लगा दिया था। और हमारे येलो भाई साहब थे हमारे गेम के रियल के बेटर, जिन्होंने हमारे पार्टनर को ठिकाने लगा दिया था। और यहाँ पर बाकी रोल्स आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे इसकी गेम प्ले हो चुकी है खत्म, हमें मिल चुकी है जीत। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को देना लाइक। तब तक हम आपसे मिलेंगे सुपर सस्के रैंकिंग मैच के एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। और हाँ, अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी, जाने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग।